दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि DSLR को टेलीस्कोप के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी पे वीडियो है, ये दिखाते हैं आपको DSLR के को टेलीस्कोप के साथ कनेक्ट के लिए बेसिकली दो एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक रहता है टी एडेप्टर और एक रहता है टी रिंग। तो टी एडेप्टर हम आपको इसमें देते हैं स्काई वॉचर कंपनी का, और 1.25 इंच का ये टी एडेप्टर रहेगा दोस्तों। आप स्टैंडर्ड साइज है ये, ज़्यादातर टेलीस्कोप में 1.25 इंच के ही आईपीस आते हैं, तो आप ये टी रिंग उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक रहेगा ये इस पैक के अंदर निकॉन का टी रिंग। और DSLR को कनेक्ट करने के लिए ये दो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपका कैनन का हो, चाहे निकॉन का हो, चाहे वो सोनी का हो। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा, कैनन के लिए कैनन का लेना पड़ेगा, निकॉन के लिए निकॉन का लेना पड़ेगा, सोनी के लिए सोनी का लेना पड़ेगा। ये दो डिवाइस की ज़रूरत होती है, टी रिंग को टी एडेप्टर के साथ में कनेक्ट करना है इस तरीके से। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद इसको अपने DSLR के साथ कनेक्ट करना है, और DSLR के साथ कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, जैसे DSLR में हम लेंस एक्सचेंज करते हैं, लेंस निकालना है बाहर और इसको उसकी साथ में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। जैसे आप DSLR में लेंस कनेक्ट करते हैं वैसे इस तरीके से ये कनेक्ट हो गए दोस्तों। और इसको सीधा अपने जो टेलीस्कोप है उसके साथ रख देना है। मैं आपको रख के दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने इंतजाम कर रखा है यहाँ टेलीस्कोप का भी। ये है हमारे पास सेलेस्ट्रॉन का काउंट्रॉन टेलीस्कोप 76 अपर्चर का। तो इसको आपको इस तरीके से यहाँ लगा के और इस तरीके से इसे सेट कर देना है दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपका टेलीस्कोप है उसके फोकसर से आपको इसको प्रॉपरली यूज करना है। और काफ़ी ये दोनों ही इक्विपमेंट काफ़ी सूटेबल है फॉर DSLR को होल्ड करने के लिए। आप देख सकते हैं, आप कितना भी इसको फोकसिंग कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी आपकी बराबर बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की डील हम आपको लेके आते रहेंगे। ये दोनों ही चीज़ आपको मिलेंगे मात्र 1999 रुपये में हमारी वेबसाइट पर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।